हमास के साथ साथ अब हिजबुल्ला आतंकी भी इसराइल पर हमलावर है। दो दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे इसराइल के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला को इसराइल का समर्थन है। हिजबुल्ला आतंकवादियों ने लेबनान बॉर्डर से इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला के युद्ध में कूदने पर ईरान पर हमले की धमकी दी है। युद्ध के बीच इसराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने बड़ा बयान दिया है। इसराइल ने ईरान को चेताते हुए कहा है कि वो सांपों की गर्दन को काट देगा, यानी इसराइल सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि सांपों के सिर यानी ईरान को काटेगा। नीर बरकत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिजबुल्ला ने हमला किया तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। लेबनान को चेताया कि अपने क्षेत्र को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल की इजाजत ना दे। इसराइल की भड़काऊ टिप्पणी मौजूदा संघर्ष की गंभीर आशंका को बढ़ाती दिख रही है। आशंका बढ़ रही है कि इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसराइल के रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान की योजना इसराइल पर हमला करने की है। इसराइल ने ईरान को लेकर कहा कि अगर उत्तरी मोर्चा खोला तो भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ दिनों से हिजबुल्ला आतंकियों और इसराइल में गोलीबारी देखने को मिली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द इसराइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ सकता है। यह तनाव तब बढ़ा जब इसराइल ने वेस्ट बैंक में 600 वांटेड फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया।